हाय एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने देखा था नियरेस्ट ग्रेटर टू राइट या फिर नेक्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट से ही लगेंगे आपको। जैसे कि ये मतलब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर दे तो ये वाला का आउटपुट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखना कि अप्रोच कैसे करते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन आपने ठीक से देखा है, समझा है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल इजी लगेगा। तो देखिए आप कैसे कुछ करते हैं हम इसमें। तो देखिए आप अपना, हमारा क्वेश्चन क्या था, नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट। हमारा क्वेश्चन क्या था, एरे क्या था हमारा, पिछले क्वेश्चन वाला ले लेते हैं, 1, 3, 2, 4 आई थिंक। हम लोग पहले क्या कर रहे थे, यहाँ से जा रहे थे और राइट वाला देख रहे थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें वापस चलना है उल्टा लेफ्ट की तरफ। पहले क्या करते थे, जो ग्रेटर है इसका, जैसे 1 से 3, 2, 4 देखेंगे, 3 ग्रेटर है इसके पास है तो 3 आंसर हो गया, इसका आउटपुट हो गया। बट इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो 1 के लेफ्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है। लेफ्ट में क्या करेंगे, फिर इसका आउटपुट आ जाएगा -1, फिर i++, i की वैल्यू इधर गई। ठीक है, i की वैल्यू इधर जाने के बाद 3 का राइट एरे क्या है, 1, ये वाला 1 है, तो इसका आउटपुट क्या है, 1 3 से बड़ा है, 1 3 से बड़ा नहीं है, तो इसमें -1 आ गया। फिर 2 पे आएंगे, 2 के राइट एरे क्या है, 1 और 3, यहाँ पे 2 है, इसके राइट एरे में क्या 3 बड़ा है 2 से, हाँ है, तो 3 आउटपुट आ जाएगा। फिर 4 पे आए, 4 का राइट एरे क्या है, 2, 3 और 1, 4 क्या 2 इससे बड़ा है, क्या 3 इससे बड़ा है, क्या 1 इससे बड़ा है, नहीं, तो -1 इसमें आउटपुट आ जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ये वाला -1, -1, 3 और -1। पहले क्या कर रहे थे, राइट एरे देख रहे थे, इसमें लेफ्ट एरे देख रहे हैं। ठीक है, तो 3 पे है तो ये वाला देखा, 2 पे है तो ये वाला देखा, और 4 पे है तो ये पूरा देखा। ब्रूट फोर्स लिख के, ब्रूट कोड लिख के देख ले, क्या मैंने आइडेंटिफिकेशन बताया वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखते हैं। तो फोर लूप पहला, i = int i = 0 से जा रहा है, i < n - 1 तक जाएगा, n तक जाएगा और i++, और जो j वाला लूप है वो int j = i - 1, j < 0 और j++। देखिए अब इसमें देखते हैं, 1, 3, 2, 4। ठीक है, अब देखते हैं, इसके लिए -1, इसके लिए -1, इसके लिए 3, इसके लिए -1। और देखिए अब अगर j डिपेंडेंट है i पे, जे आई पे डिपेंडेंट हो तो क्या करेंगे हम, इसके ऊपर स्टैक तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आपको पता ही है। अब पहले हमने क्या किया था, 1, 3, 2, 4, पहले वाला क्वेश्चन मैं बार बार रिलेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में ये डेवलप हो जाए कि ये वाला पीछे वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन पे ही डिपेंडेंट है, थोड़ा वेरिएशन है बस। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये देखिए, अगर हम 3 पे देख रहे हैं तो इसके राइट वाला एरे स्टोर कर रहे थे, जैसे 4 और 2। अगर हम 3 पे हैं तो अब इसके लेफ्ट वाला एरे स्टोर करेंगे, 3 पे है तो 1 स्टोर करेंगे, अगर 2 पे है तो क्या स्टोर करेंगे हम, 2 पे है तो 1 और 3। ठीक है, ऐसे अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके लिए देखते हैं आप,
वन थ्री टू एंड फोर, ये वाला हमारा स्टैक हो गया, ये वाला एक हमारा वेक्टर हो गया जिसमें हम हमारा आउटपुट डालेंगे वेक्टर, दिस इज आई, यहाँ पर आई हमारा स्टैक एम्प्टी है इसके पीछे वाला, तो एम्प्टी है तो माइनस वन आ जाएगा इधर, ठीक है, आई यहाँ पर आया। उससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, इसके राइट वाला एरे देखेंगे, थ्री का राइट एरे वन है और वन थ्री से बड़ा नहीं है, वन वन स्टैक में है हमारा, ठीक है, वन स्मॉलर देन थ्री है, हाँ है, बट देखना क्या हमें ग्रेटर निकालना है, तो ग्रेटर निकालना तो इसका मतलब ये माइनस वन आ गया इधर, ठीक है, इसको पॉप कर दिया, पॉप करने के बाद भी एम्प्टी हो गया, एम्प्टी होने के बाद माइनस वन आ गया इधर। फिर देखते हैं हम टू पे, टू के लिए क्या क्या है इसके अंदर, थ्री और वन है, क्या थ्री बड़ा है टू से, थ्री बड़ा है टू से, तो ये टॉप वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर फोर के लिए देखें, फोर के लिए टू होगा, ये पॉप हो जाएगा, ठीक है, पॉप होने के बाद ये भी, ये छोटा है पॉप इसलिए हो जाएगा, ये वाला भी छोटा है फोर से, थ्री फोर से छोटा होता है ये पॉप हो जाएगा, वन फोर से छोटा ये भी पॉप हो जाएगा, एम्प्टी हो गया, एम्प्टी होने के बाद माइनस वन आ जाएगा इधर, ठीक है। यही प्रोसीजर फॉलो करके हम पिछले क्वेश्चन में निकाल रहे थे, बस इसमें डिफरेंस कितना है, ये वाला हम नेक्स्ट लेफ्ट की तरफ कर रहे थे, वो राइट की तरफ कर रहे थे हम, ठीक है। पॉप हम कब तक कर रहे थे, ग्रेटर एलिमेंट मिल जाए या तो, या फिर स्टैक एम्प्टी हो जाए, स्टैक एम्प्टी हो गया इधर, ठीक है। अब देखते हैं हम कैसे, तो अब देखते हैं हम क्या चेंजेस किए हमने इसके अंदर, पहले वाले क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस है, चेंजेस देखिए। पहला चेंज ये देखिए, ये वाला जो सॉल्यूशन है और जो हमने सॉल्यूशन निकाला था, ठीक है, आउटपुट निकाला था, वो दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है ना, दोनों सेम होने का मतलब एक तो हम इस पे क्या नहीं कर रहे, पहली बात, पहला पॉइंट, जो हम रिवर्स कर रहे थे वो रिवर्स नहीं किया, अरे जो वेक्टर को रिवर्स कर रहे थे वो रिवर्स नहीं किया। दूसरा चेंज इसका क्या गया, पहले वाले क्वेश्चन में हमने राइट से ट्रैवर्स कर रहे थे, इस बार लेफ्ट से ट्रैवर्स कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये दोनों चेंजेस आपको समझ में आ गए होंगे, इतना काफ़ी कोड लिखने के लिए, ऑफकोर्स ये काफ़ी कोड लिखने के लिए है। अब देखिए कोड कैसे लिखते हैं हम, ये देखिए हमारा पुराना कोड, जो पिछले क्वेश्चन में कोड था वही कोड है ये, तो देखिए अब हमें टू स्टेप्स करने हैं इसके अंदर, एक तो लूप चेंज करना है जो कि ये राइट के लिए जा रहा था, हमें लेफ्ट के लिए करना है, ठीक है। दूसरा जो रिवर्स वाला पॉइंट है, पहले वही चेंज कर देता हूँ, जो ये वाला पॉइंट है ये हमें नहीं करना है, इसकी वजह से रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। और जैसे एक तरह नाम रिवर्स, जो वी वेक्टर रिवर्स करते थे वो वाला पॉइंट नहीं करना हमें, ठीक है। और ये लूप चेंज करना है, लूप में क्या करना है हमें, ये देखिए चेंजिंग कैसे करेंगे हम, इस लूप को चेंज करना है, फोर int i equal to size minus one से लेके i greater than equal to, ये i size minus one था ना, अब हमें कहाँ से कहाँ जाना है, ज़ीरो से उस साइड जाना है हमें, ज़ीरो से लेके size तक जाना और i plus plus, ठीक है। ये चेंजेस कर देंगे तो आप, ये दो चेंजेस करने पे क्या आ जाएगा, हमारा कोड सही हो जाएगा। तो आपको आई होप ये वाला चीज़ें पता चल गया होगा,
ठीक है। आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। लेस देन इक्वल टू कर लीजिए इधर, क्योंकि उस तक जाएंगे नाम, तो ये वाला और ये वाले दो चेंजेस कर देंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो करना ही करना पड़ेगा, इसको कर देते हैं रिवर्स, ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। बस ये दो चेंजेस करने से आपका ये वाला क्वेश्चन, देखिए पूरा प्रोग्राम सेम है, बस ये दो चेंजेस करने से आपको अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी हम और चीज़ें सीखेंगे और जो क्वेश्चंस बचे हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।